hello everyone welcome back today we are going to discuss our new topic that is the five kingdom classification system okay in the previous video we had learned about the two kingdom classification system by the linears given by linears then three kingdom system of the classification given by the haker

द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर और इन्होंने आपके फाइव किंगडम आपके डिफाइन किए द फर्स्ट वॉज मोनेरा द सेकेंड वॉज प्रोटिस्टा आपको पता है मोनेरा प्रो कैरेट्स के लिए था आपका प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए था फनजाए ओके दिस इज़ द इंपोर्टेंट पॉइंट द टर्म इज़ फनजाए यानी कि कोपलैंड ने आपका कौन सा आपका प्रपोज़ किया था आपका फनजाए क्या किया था आपका प्रपोज़ किया था नाउ नेक्स्ट इज प्लान्टी एनिमेलिया प्लान्टी और एनिमेलिया के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से मुनिरा आपको पता है कि आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए आपका अप्लाई किया गया था किसने दिया था आपका को ने दिया था कब दिया था आपका नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में दिया था प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा किसने दिया था आपका हेकल ने दिया था एटीन सिक्सटी सिक्स में दिया था आपका ओके एंड फंजाय फंजाय किसने दिया आपका आर एच विटेकर ने दिया और कब दिया आपका नाइनटीन सिक्सटी में ओके okay? तो इस तरह आपका जो किंगडम था जो आपके कितने किंगडम हो गए आपके फाइव किंगडम हो गए और उसके बेसिस पे जो सिस्टम दिया गया आपका क्लासिफिकेशन का उसको बोला गया आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उसको ही क्या बोला जाता है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एज वी नो दैट द फनजाई इज देअर सो वी टेकर क्रिएटेड अ न्यू किंगडम दैट इज़ द फनजाई एज अ सेपरेट किंगडम ओके तो उन्होंने आपका सेपरेट किंगडम बनाया आपका फनजाए किसके लिए बनाया आपका फंगस के लिए बनाया बिकॉज फंगस हैव द डिफरेंट मूड ऑफ द न्यूट्रिशन इन इन कम्पेरिजन टू द प्लांट अगर प्लाट के साथ उसका कंपेरिजन करे क्योंकि पहले तक उसको प्लांट्स में रखा गया था उसमें डिफरेंट मूड ऑफ क्या होता है आपका न्यूट्रिशन होता है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन अलग होते हैं आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है आपका इससे अलग होता है प्लांट्स से ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बिफोर नाइनटीन सिक्सटी नाइन द क्लासीफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम हेल्थ अंडर गोवन सैवरल चेंजेस ओवर टाइम आपको पता है कि ये एक प्रॉपर सिस्टम माना जाता है और इसको सब लोग फॉलो करते हैं आपका फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन इससे पहले आपके जितना जितना भी टाइम था हर टाइम में कॉआ था आपका जो क्लासीफिकेशन के सिस्टम थे वो आपके क्या होते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आपका सैवल चेंजेस के अंडर चाहते रहे थे ठीक है तो ये आपका फाइनल हमें मिला है नाइनटीन सिक्सटी नाइन में आर एच बी टेकर ने दिया जिसका हम क्या करते हैं आपका फॉलो करते हैं जिसको नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासीफिकेशन यूज बाय द वीटेकर वीटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन के लिए कुछ मेन क्राइटेराज को क्या किया था आपका यूज़ किया था इससे पहले आपने देखा जितने भी किंगडम पढ़े ऐसा कोई भी क्राइटेरिया किसी भी साइंटिस्ट के थ्रू आपका यूज़ नहीं किया गया था बट वी टेकर फॉलो दीज रूल्स उन्होंने इन रूल्स को या हम बोल सकते हैं इनको क्या आपका आप क्राइटेरियाज को क्या किया था आपका फॉलो किया था द फर्स्ट वॉज द सेल स्ट्रक्चर पहला उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को फोकस किया प्रो कैलोटिक सेल यू कैलोटिक सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट और सेल वॉल इज एबसेंट तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल स्ट्रक्चर में आ गई सेकंड इज द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन जैसा कि आपको पता है मैंने बताया कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका ऑटोटॉपिक प्लांट से अलग होता है ठीक है मोड ऑफ न्यूट्रीशन ऑटोटॉपिक हेड्रोटॉपिक सेप्ट्रोफिटिक पैरासिटिक जो भी आपका और नेक्स्ट इजर थैलस ऑर्गेनाइजेशन थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि बॉडी फॉर्म कैसा है आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है आपका जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग थैलस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अगर आपका थैलस थैलस कहने का मतलब आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर बॉडी आपका रूट शूट और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है तो उसको थैलॉइड बॉडी बोला जाता है अगर वो डिफ्रेंशिएटेड होती है तो उसको आपका प्रॉपर बॉडी बोला जाता है नॉन नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल इप्रोडक्शन ए सेक्सुअल के आपके बहुत सारे मीन्स होते हैं आपके बर्डिंग फिजन एक्सेट्रा ओके इन द केस ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है आपका आपका क्या होगा कटिंग होता है आपका लेयरिंग होता है आपका ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी नौ नेक्स्ट इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फाइलोजेनेटिक वैन द टर्म फाइलोजेनेटिक कम कभी भी आपका फाइलोजेनेटिक टर्म जब भी आएगा आपका तो आपको समझ जाना है इट इज द टर्म फॉर द इवोल्यूशनरी पर्पज यानी कि फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है आपका इवोल्यूशनरी तो यहाँ पर को आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की जगह क्या लिख सकते हैं आपका इवाल्यूशनरी रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं तो दीज आर द फाइव क्राइटेरिया यूज बाय द वीटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन फॉर हज क्लासिफिकेशन द फर्स्ट इज द सेलिस्ट्रक्चर सेकेंड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन थर्ड इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ इज द एंड द फिफ्थ इज द फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें आगे डिस्कस करने में आपका मेरिट्स और डिमेरिट्स बचते हैं तो फर्स्ट थिंग इज दैट वट आर द मेरिट्स सबसे पहले हमें मेरिट्स के बारे में क्या करना होगा डिस्कस करना होगा द यूगलिना एंड द अदर ट्रांजिशन आपको पता है कि यूगलिना आपका दोनों मिक्सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है मैंने आपको बताया वैन सनलाइट इज देयर इट बिकम द ऑटोट्रॉपिक एंड इफ द सनलाइट इज एबसेंट ये क्या बजा जाता है आपका अपने माइ अपने क्लोरोप्लास्ट को लॉस्ट कर जाता है और क्या बन जाता है आपका हैड्रोटॉपिक बन जाता है ओके okay? तो यूगलिना एंड अदर ट्रांजिशन टाइप्स आर गिवन प्रॉपर प्लेस अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा इसको किस में रखा गया था आपका प्रोटिस्टा में रख करके एक आपका प्रॉपर प्लेस क्या कर दिया गया था आपका प्रोवाइड किया गया साथ ही ऐसे जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी प्रोटिस्टा में रख करके आपका प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड किया गया एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन फंग आर सेपरेटली प्लेस्ड एज वी नो दैट द फनजाई हैव देयर ओन बायो केमिकल फ्यजोलॉजिकल एंड स्ट्रक्शल ऑर्गेनाइजेश होता है आपका फनजा हैव देर ओन बायोकेमिकल फ्यजोलॉजिकल एंड स्ट्रक्शल ऑर्गेनाइजेशन सो दे हैव नेबर बीन रिलेटेड टू प्लांट्स तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो प्लांट्स से रिलेटेड हो ही नहीं सकते हैं कि बस सेल वॉल्ड का प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके प्लांट्स में आ जाएंगे ओके सो इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन फंजाई आर सेपरेटली प्लेस्ड तो फनजाई को क्या किया गया था आपका सेपरेटली प्लेस किया गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट है ओके किंगडम बनाया गया था आपका जाए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन द सेलूलर ऑर्गेनाइजेशन द्यूट्रिशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर सो द इंपोर्टेंट पॉइंट मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट इज बेस्ड ऑन द सेलर ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ दूट्रिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर तो यह चीजें आपकी जो बेसिक चीजें हैं इसको लेकर आपका ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था ओके क्लासीफाई किया गया समझ रहे हैं आप लोग इसके बेसिस पे तो क्या हो गया आपका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपका एंड इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट दीज वर द बेसिस ऑफ द फैक्टर यूज इन अर्लियर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो ये आपका विटेकर ने आपका यूज़ किया इन्हीं को यूज़ करके आपका जो ये तीन है आपके पांच की बात नहीं कर रही हूँ केवल तीन की बात कर रही हूँ पांच के पांच तो आपका विटेकर ने यूज यूज़ किए थे लेकिन जो मोड ऑफ़ न्यूट्रीशन हो गया आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका सेलुलर ऑर्गनाइजेशन हो गया आपने देखा है कि लीनियस ने भी इन्हीं को फॉलो किया था तभी उसने आपका प्लान्टी और एनिमेलिया दो आपके क्या बनाए थे आपके किंगडम बनाए थे ठीक है फिर जो आपका प्लान्टी था उसने फिर आपका एरिस्टोटल को फॉलो करते हुए जो स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बेसिस पे उनको हाफ स्ट्स और ट्रीज में आपका क्या किया आपका जो रखा था आपका एरिस्टोटल ने उसको आगे फॉलो किया था ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आर सेपरेट किंगडम मोनेरा फॉर द प्रो कैलोर्ट्स इससे पहले हमने देखा कि जो मोनेरा किंगडम तो दिया गया था लेकिन उसमें जो ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए थे वो आपके प्रॉपर नहीं थे बाय द विटेकर मोनेरा इज यूज या वी कैन से दैट मोनेरा इज़ क्या कर दिया गया आपका बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया किसके लिए आपका प्रो के लिए इसमें इस केवल किसको रखा गया आपका प्रो कैरिट्स ऑर्गेनिज्म को, को ही रखा गया इसके अलावा प्रो कैरिट्स ऑर्गेनिजम को किसी और किंगडम में आपका प्लेस नहीं दिया गया ठीक है नाउ नेक्स्ट इज सोज द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द अर्ली ऑर्गेनिजम्स इन टू द प्लांट एंड एनिमल्स यानी कि कैसे आपका स्मॉल प्लांट से आपका हायर प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे आपके स्मॉलर एनिमल से आपका हायर एनिमल का क्या हुआ आपका फॉर्मेशन हुआ इन ये क्या हो गया आपका इवोल्यूशनरी बेसिस हो गया तो आपको पता है कि मै जो आपका विटेकर है विटेकर ने आपका इवोल्यूशनरी यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी अपना बेसिस माना था तो इसके बेसिस पर उसने क्या किया आपका ऑर्गेनिजम्स को क्या किया आपका अरेंज किया प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम आर मोर होमोजीनस देन दे वर इन द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी बात करें अगर हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम देखें आपके किस में आपका ए, किस में देखें वी टेकर के क्लासिफिकेशन में देखें तो इसमें हमें जो ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम देते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके होमोजीनस दिखेंगे होमोजीनस दिखेंगे जैसा आपका टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखा गया था तो ये एक तरह से उसको फॉलो करता है और ये बहुत ज़्यादा होमोजीनस क्या होते हैं आपके शो होते हैं आपके इस सिस्टम में कौन से सिस्टम में आपका फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तो ये तो हो गया आपके मेरिट्स की बात आर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम आर मोर होमोजीनस देन एनी वर इन द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसा कि आपका टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में था ये तो मैंने आपको मेन मेन मेरिट्स इसकी आपको एक्सप्लेन कर दी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अगर हमने मेरिट्स को डिस्कस किया तो डिमेरिट्स को डिस्कस करना भी जरूरी है द फर्स्ट थिंग इज दैट एनिमल प्रोटोजोन्स हैव बिन आई इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा आपको पता है कि प्रोटोजोन्स को प्रोटिस्टा में रखा विच ऑल्सो इंक्लूड यूनसेलुलर प्लांट्स आपको पता है कि इसमें आपका यूनिसेलुलर प्लांट्स को भी रखा गया क्योंकि आपका ये किसके लिए था आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा था वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेजम के लिए था तो इसमें आपका यूनिसेलुलर एनिमल्स को भी रखा है साथ में आपका यूनिसेलुलर प्लांट्स को भी रखा है तो इन दिस वे दे आर डिफर फ्रॉम इच अदर कैसे हो गया आपका जो प्लांट्स होते हैं वो आपका आउटोटॉपिक होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं दे आर हैड्रोटॉपिक सो दे शो डिफरेंट मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इट इज द डीमेरिट आपका दो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों को एक साथ एक किंगडम में कैसे प्लेस कर सकते हैं दिस इज द फर्स्ट डीमेरिट नाउ द सेकंड इज क्लोरेला क्रेमाइडोमोनास दो यूनिसेलुलर आर इंक्लूडेड अंडर द किंगडम प्लान अब आपको पता है जो क्लोरेला हो गया आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया दीज आर द एलगी एंड दीज आर द यूनिसेलुलर एलगी क्या होते हैं आपके यूनिसेलुलर एलगी होते हैं आपके तो इनको आपका प्लांट किंगडम में क्या किया गया है आपका पुट किया गया है आपका तो प्लांट किंगडम के एलगी में इनको रखा गया है जबकि वहाँ पर कोई क्या है आपके मल्टी सेलुरर ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये भी क्या होने चाहिए आपके प्रोटिस्टा में रखे जाने चाहिए थे अगर आपने प्रोटिस्टा में अदर यूनसेलुलर प्लांट्स को रखा है तो इन यूनिसेलुलर प्लांट्स को भी उसमें प्लेस मिलना चाहिए था दिस इज द सेकेंड डी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट euglena like organisms and slime modes may need the creation of an intermediate kingdom other than Protista. Obviously, बिकॉज यूगलिना आपका मिक्जोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है स्लाइम मोल्ड्स आपकी अदर टाइप के आपके क्या आते हैं न्यूट्रिशन दिखाते हैं आपका ठीक है सैप्रोफिटिटिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं तो क्या होना चाहिए आपका इनके लिए आपका एक अलग से क्या होना चाहिए आपका किंगडम प्रेजेंट होना चाहिए था ठीक है प्रोटिस्टा के अलावा या हम बोल सकते हैं कि सब किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा भी बना सकते थे या कुछ भी हो सकता था लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं था तो ये भी आपका एक तरह से क्या हो गया आपका डिमेरिट्स हो गया इसके अलावा जो मेन पॉइंट है जो सारे के सारे आपके किंगडम्स में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनमें सब में आपका जो डिमेरिट्स है वो कॉमन ही आपका वायरसेज वायरॉइड्स

सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होता है सॉरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फनजाई ये क्या होते हैं आपके एल्गी और फनजाई के बीच में क्या होते हैं आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है आपका लाइकंस इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइकस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट्स एंड विद इन द प्लांट्स आपके दो प्लांट्स के बीच में एक होता है आपका सॉरी एक फंगस होता है और दूसरा क्या होता है आपका एल्गी होता है आपका एल्गी आपका फाइकोबियॉन्ड होता है और जो आपका दूसरा होता है दूसरा क्या हो गया आपका फंजाय फंजाय क्या होता है आपका माइकोबियॉन्ट होता है फंजाय को क्या बोलते हैं आपका माइकोबियॉन्ट बोलते हैं और एल्गी को क्या बोलते हैं आपका फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं एल्गी आपका फोटोसिंथेसिस करता है और जो फंजाई होता है वो आपका क्या करता है आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके इनको प्रोवाइड करता है सेल्टर प्रोवाइड करता है तो इस तरह से क्या हो गया आपका दोनों को ही बेनिफिट होता है और किसी को भी हार्म नहीं होता तो यही होता है आपका द सिम्बाइटिक एसोसिएशन इज दैट टाइप ऑफ द एसोसिएशन इज इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड एंड नो वन विल भी हार्म दोनों ही आपके बेनीफिटेड होंगे और किसी को भी आपका कोई भी हार्म नहीं होगा तो ऐसा ही आपका लाइकें आपका एक इसका एग्जाम्पल है आपने देखा होगा कि जो आपका बार्क होते हैं ट्री बार्क पर आपका वाइटिस कलर के आपके गोल गोल आपके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं आपके लाइकेस ही होते हैं ओके एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट द लाइकेस आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर ये क्या होते हैं आपके पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं ओके okay, तो जिस एरिया में आपका पॉल्यूशन ज़्यादा होगा उस एरिया में आपके लाइकेंस ग्रो ही नहीं कर पाते हैं ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लाइकेंस के बारे में ओके okay? तो ये आपके डिमेरिट्स हो गए मेरिट्स भी हैं आपके डिमेरिट्स भी हैं मेरिट्स में आपका आ गया यूगलिना को एक प्रॉपर प्लेस देना आपका अदर उनको एक प्रॉपर प्लेस देना लेकिन अगर उसका डिमेरिट देखा जाए तो आपका जो यूगलिना है अदर स्लाइम मोड्स हैं उनक, उनके लिए आपका एक अलग से क्या होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट आपका किंगडम होना चाहिए था इस सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन इस इस में क्या किया गया आपका फंजाई को एक प्रॉपर प्लेस दिया गया दैट इज़ वेरी गुड और क्या किया गया आपका एक सेपरेट किंगडम जो मोनेरा था उसको प्रो कैलोट्स के लिए आपका क्या कर दिया गया आपका फिक्स्ड कर दिया गया या आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर और आपका बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेसिस है जो कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है इसमें आपका फाइलोजेनेटिक क्या होता आपका क्या, क्या है आपका रिलेशनशिप क्या किए जाते हैं आपके दिखाए जाते हैं अमंग द एनिमल्स एंड अमंग द प्लांट्स और इसके अलावा इसमें जो आपके प्लांट किंगडम और जो एनिमल में बहुत ज्यादा आपके दिखाई देते हैं थीके? जैसा कि आपका टू किंगे गए थे लेकिन डीमेर प्लेस ना मिल पाना या कोई भी प्लेस ना मिल पाना उसको तो प्लेस ही नहीं मिला भी सिस्टम में आपका प्रॉपर प्लेस इनको भी नहीं मिला हुआ है अभी तक ठीक है यूगली हो गया अदर आपके स्लाइमोड्स वगैरह हो गए या आपका डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ शो करते हैं तो इनके लिए आपका इंटरमीडिएट आपका क्या होना चाहिए था आपका एक किंगडम होना चाहिए प्रोटिस्टा को छोड़ करके them को क्या किया गया है इन्होंने किस में रख दिया है आपका मल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में रख दिया है प्लांट आपका मल्टी सेलुलर होते हैं वहाँ आपका क्लोरेला और क्लेमाइडोमोना जो यूनि सेलूर एलगी है उनको पुट कर दिया है जबकि अगर देखा जाए तो इनको किस में होना चाहिए था आपका प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में होना चाहिए था बिकॉज इन द केस ऑफ द प्रोटिस्टा द यूनीलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड प्रोटिस्टा में आपके यूनि सेलुलर ऑर्गेजम्स रखे गए हैं अब उसमें भी रखे गए हैं तो एक और आपका डीमेरिट है कि आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टुगेदर एनिमल्स और प्लांट को आपका एक साथ रखा गया है तो इससे क्या होता है आपका डिफरेंट टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका सिमिलर क्या हो गया के प्रोटिस्टा एक ही किंगडम में आपके शो होते हैं जो कि ऐसा हो नहीं सकता है जबकि इन्होंने अपने मोड अपने क्लासिफिकेशन का जो आपका जो आपका मेन क्राइटेरिया है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा हुआ है उसके बेसिस पे भी आपका क्या हो गया आपका इन्होंने एक साथ पुट कर दिया आपका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स को तो इस तरह से ये डिमेरिट्स हो गए ठीक है जो मेन पॉइंट है आपका यही है कि इन्होंने जो आपका मेन क्राइटेरिया यूज किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल स्ट्रक्चर मोड ऑफ न्यूट्रिशन थैलस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ओके तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ओके